एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में बिखरेगा इंटरनेशनल हॉकी का जलवा। भारत में इंटरनेशनल हॉकी का जलवा बिखेरने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल भारत इस बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चेन्नई के एग्मोर के प्रतिष्ठित मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में किया जा रहा है। जानकारी है कि इस बार एशिया की 6 टॉप टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि इस बार टूर्नामेंट के 7वें एडिशन में और क्या कुछ खास रहने वाला है। एशिया की 6 टॉप टीमें लेंगी हिस्सा। गौरतलब हो कि भारत पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। वहीं टूर्नामेंट में इस बार 6 टॉप टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीमें इस टूर्नामेंट के 7वें संस्करण का हिस्सा बनेंगी। टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले जाएंगे। 2007 के बाद से स्टेडियम में होने वाला यह पहला टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट 3 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। टीम इंडिया यह प्रतियोगिता कुल 3 बार जीत चुकी है। भारतीय टीम एशियन गेम्स से ठीक पहले एक बार फिर इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला चीन से। सभी टीमें आपस में राउंड रॉबिन की तर्ज पर मुकाबला खेलेंगी, यानी 5 मुकाबलों के बाद टॉप 4 में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। भारतीय टीम 3 अगस्त को चीन के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। वहीं 4 अगस्त को भारत का सामना जापान और फिर 6 अगस्त को मुकाबला मलेशिया से होगा। 7 अगस्त को गत विजेता दक्षिण कोरिया और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। 9 अगस्त को अपने आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की रोमांचक भिड़ंत होगी। भारतीय टीम की रैंकिंग सर्वोच्च। प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों में से भारतीय टीम की रैंकिंग सर्वोच्च है। टीम इंडिया FIH रैंकिंग में 4th स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरियाई टीम है जिसकी रैंकिंग 9वीं है। वहीं मलेशिया 10वें स्थान पर और पाकिस्तान 16वें, जापान 19वें और चीन की टीम 25वें स्थान पर है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन साल 2011 में पहली बार किया गया था। ट्रॉफी के पहले संस्करण के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था। 2012 में पाकिस्तान टीम भारत को हराते हुए विजेता बनी। साल 2013 में पाकिस्तान, 2016 में भारत और फिर 2018 में भारत और पाकिस्तान की टीमें संयुक्त रूप से विजेता बनी। साल 2021 में बांग्लादेश में आखिरी बार टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें दक्षिण कोरियाई टीम ने जापान को हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। पेरिस ओलंपिक 2024 का दरवाजा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी सभी एशियाई देशों के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि यहां पर जीत दर्ज कर वो खुद को देश के लिए एक बेहतर मूवमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ अपने मूवमेंट को भी वो बरकरार रख सकते हैं ताकि अगर एशियन गेम्स में वो स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनके लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का दरवाजा सीधे खुलेगा। ऐसे में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 महत्वपूर्ण हांगजो एशियन गेम्स 2023 के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में भी काम करेगी।